साथ ही अगर आप बिल्ली पालना चाहते हैं और बिल्लियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपको इस वीडियो में कुछ पालतू बिल्लियों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अपने देश भारत में हम जंगली बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में घर में नहीं रख सकते, जैसे फिशिंग कैट, गोल्डन कैट और मार्बल कैट आदि। जंगल में पाए जाने वाले अधिकांश जानवर भारत के वन्य जीव संरक्षण के तहत संरक्षित हैं। तो साथियों, आगे चलते हैं वीडियो में और जानते हैं बिल्लियों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम पर्शियन कैट यानी फारसी बिल्ली। ये बिल्लियाँ ईरानी मूल की हैं। इन्हें दूसरे नामों पर्शियन लॉन्ग हेयर और शिराजी कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यम से बड़े आकार की होती हैं। ये बिल्लियाँ आपको सफ़ेद, काले, लाल, चॉकलेटी और क्रीम रंगों में मिल सकती हैं। वैसे आपको सफ़ेद रंग की बिल्ली ज़्यादा दिखाई देंगी। ये बिल्लियाँ लगभग 14 से 15 वर्ष तक जीती हैं। इनकी देखरेख करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बिल्लियों के बाल लंबे होते हैं और जिनको साफ करने और संवारने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी, ये बिल्लियाँ काफ़ी नखरीली होती हैं और ये काफ़ी उधम मचाती हैं। ये बिल्लियाँ छोटे आकार में भी पाई जाती हैं और इनके बाल भी छोटे होते हैं। अब बात करते हैं सीमेज बिल्ली के बारे में। ये बिल्लियों की सबसे एक्टिव और इंटेलिजेंट नस्लों में से एक है। ये बिल्लियाँ काफ़ी शरारती होती हैं। यदि आप आसानी से चिढ़ जाते हैं तो इन बिल्लियों को बिल्कुल भी ना पालें। ये बिल्लियाँ आपके साथ खेलना चाहेंगी, मेल मिलाप करने की कोशिश करेंगी और साथ ही इनके नखरे भी भरपूर होते हैं। ये और इनको ये पसंद है कि लोग इन पर ध्यान दें, और इस चीज़ को हासिल करने के लिए या अपने मालिकों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ये रोने तक का नाटक कर सकती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये बिल्लियाँ कितनी शरारती होंगी। इनकी आंखें नीली होती हैं और ये आमतौर पर आपको सिल्वर ग्रे कलर में मिलेंगी। मैनकून कैट, ये अमेरिकी मूल की बड़े आकार की बिल्लियाँ हैं। इन्हें कुछ दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे मौली, सूजी, जेंटल जायंट्स आदि। ये आसानी से विभिन्न प्रकार की जलवायु में एडजस्ट हो जाती हैं, जिस वजह से ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ये स्वभाव से बहुत कोमल होती हैं और ये स्वभाव में सीमेज कैट के बिल्कुल उलट होती हैं। ये काफ़ी शांतचित होती हैं, ये आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इस बिल्ली की नस्ल को पालने के बारे में सोच सकते हैं। ये आपकी और आपके बच्चों की बहुत अच्छी दोस्त बनेंगी। ये सफ़ेद, काली, नीली और क्रीम रंग में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं बॉम्बे कैट की। ये देखने में छोटा काला पैंथर जैसी लगती हैं। काले चमकदार बाल, सुनहरी आंखें और काफ़ी हद तक इनका गठीला बदन इनको बिल्कुल अलग बनाता है। ये छोटे मध्यम आकार की होती हैं। ये विभिन्न प्रकार के वातावरण में आसानी से ढल जाती हैं। आप इन्हें आसानी से ट्रेंड कर सकते हैं और एक छोटे कुत्ते की तरह पट्टा बांध कर इनको टहलाने के लिए ले जा सकते हैं। अगर हम इनके नेचर और व्यवहार की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये सीमेज बिल्ली और मैनकून कैट का एक मिक्सचर है। ये शांति और चंचलता की एक मिसाल है। अब बात करते हैं हिमालयी बिल्लियों के बारे में। ये बिल्लियाँ ज़्यादातर सफ़ेद रंग में पाई जाती हैं। ये पर्शियन बिल्लियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्शियन और सीमेज बिल्लियों की एक क्रॉस नस्ल है। यही वजह है कि ये महंगी भी होती हैं। ये गोदी में रखने वाली बिल्लियाँ हैं। ये इंसानों के साथ रहना पसंद करती हैं। ये बिल्लियाँ बहुत आलसी होती हैं। ये इधर उधर कूदना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपनी इसी शांत स्वभाव के कारण ये दूसरे पालतू जानवरों के साथ आसानी से रह सकती हैं। इनकी पहचान इनके चेहरे का रंग और इनकी नीली आँखें हैं। अब बात करते हैं चित्तीदार बिल्ली या भारतीय बिल्ली के बारे में। ये हमारी भारतीय बिल्ली है और इस बिल्ली को हम अपने घरों की छतों और आसपास की गलियों में आसानी से देख सकते हैं। ये बिल्लियाँ हमारी जलवायु के अनुकूल हैं। इनके बाल छोटे और रंग में चित्तीदार होते हैं। इनकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है। ये काफ़ी शर्मीली होती हैं और अजनबियों से डरती हैं, लेकिन आपसे दोस्ती करने के बाद ये आपकी बेहद वफादार दोस्त बन सकती हैं। दोस्तों, जिस तरह ये घर के बाहर रह सकती हैं उसी तरह ये घर के अंदर भी रह सकती हैं। अभी और भी कुछ बिल्लियां हैं जिनको हम आसानी से पालतू बना सकते हैं। उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।